कभी माथे पर तिलक लगाकर घूमना, कभी गले में माला डालकर घूमना, तो कभी भगवाधारी गमछा लगाकर मंदिर के चक्कर लगाना। लेकिन जरा ठहरिए, इन तस्वीरों को देखकर गच्चा मत खाइए, क्योंकि अभी तक जितनी भी तस्वीरों को आपने देखा ये कैमरे के सामने की तस्वीर है। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको ब्राह्मणों द्वारा श्लोकों के उच्चारण की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन श्लोकों को अनसुना कर प्रियंका बड़े मजे से गपिया रही हैं, तो कभी हाथ में सैनिटाइजर लेकर हाथ रगड़ने लगती हैं। लेकिन कहीं लोगों के सामने प्रियंका के दिखावे की पोल न खुल जाए, एक कार्यकर्ता आकर कहता है, मैडम खड़े हो जाइए, पंडित जी श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। दरअसल ये सारा खेल सिर्फ कैमरे के सामने की भक्ति का है, कैमरे के सामने हिंदू बनने के दिखावे का है। आप भी समझ लीजिए, जो कैमरा दिखते ही हिंदू बन जाते हैं, वो दूसरे ही क्षण अपनी असली पहचान में घूमने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए और उन्हें लगता है कि इस प्रकार के दिखावे से हिंदू उन्हें वोट दे देगा। लेकिन प्रियंका तुम भूल सकती हो, लेकिन यूपी की जनता नहीं भूल सकती। कांग्रेस ही थी जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, जिसने राम जी द्वारा बनाए गए सेतु को तोड़ने का फरमान सुनाया था। कांग्रेस ही थी जिसने भगवाधारियों को आतंकवादी बताया था। यूपी की जनता सब याद दिलाएगी, बस चुनाव का इंतजार कीजिए।